أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. सिवाय इसके नहीं, तौबा का कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है उन लोगों के लिए जो के अमल करते हैं बुरे नादानी की वजह से, फिर वो तौबा कर लेते हैं जल्दी से। बस ऐसे ही लोग हैं कि रुजू फरमाता है अल्लाह उनके ऊपर, और है अल्लाह जानने वाला हिकमतों वाला। आप हजरात को ये बात तो बिहम्दिल्ला तकरीबन याद हो चुकी है कि इस्लाहे मुआशरा के उन्वान से सूरतुन निसा का पहला दो रकुओं का उन्वान ये था कि अपने आप को किस से बचाना है, हराम खोरी से। और तीसरे रकू का उन्वान असल में क्या है, अपने आप को हराम कारी से क्या करना है। अगर तो मुआशरे की इस्लाह मकसूद है तो फिर हराम खोरी और हराम कारी, इसके बगैर मुआशरे में कभी भी इस्लाह और अमन आ सकता नहीं है। मगर अब आप हजरात देख रहे हैं कि दो आयात के बाद फौरन तौबा का उन्वान अल्लाह ने शुरू कर दिया है, क्योंकि कुरान मजीद जो है ये एक बहर बेकरां है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जहां कहीं उसके कलाम मजीद का ये अंदाज है, और बहुत ही खूबसूरत उसका अंदाज है कि जिस जगह के ऊपर सख्ती की बात आती है और उसकी नाराजगी की बात आती है और उसके गुस्से की बात आती है, साथ ही वो अपनी तौबा का भी तज़किरा कर देता है। ये कुरान मजीद का एक अंदाज है, आप पढ़ते चले जाएं, जहां कहीं अजाब का तज़किरा होगा किसी नाफरमानी पर, किसी उसकी नाराजगी का तज़किरा होगा, उसके गुस्से का तज़किरा होगा, तो साथ ही वो अपनी सिफत का भी तज़किरा करेगा कि अगर ये लोग भी तौबा कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्ना अल्लाह काना तव्वाबन, अल्लाह इनकी तौबा को भी क्या कर लेगा, कबूल कर लेगा। रहीमा, और वो क्या है, बड़ा ही मेहरबान है। समझा कि जनाब, अब तौबा का जो तज़्कर आया है आप हजरात ने जो दो आयात में सुना है, उसकी मुनासबत अब आप हजरात के जहन में आ जानी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम कारी के हवाले से सबसे पहले किस गुनाह का नंबर लगाया है, जिना का, फिर किसका, बदफेली का। समझ आएगी, अब सबसे पहले उन औरतों का तज़किरा किया जो किसी के निकाह में हो और फिर भी गुनाह कर बैठे, तो शरीयत क्या कहती है कि जब खावंद को खबर मिले उसको तलाक दे देना फौरन, कि भाई मुझे खबर मिली है कि तेरे बारे में ये बात हुई। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं तलाक नहीं देनी, बल्कि क्या करना है, उसके ऊपर क्या गल बात करने वाले से कितने गवाह तलब करने, चार गवाह, और चारों मुसलमान हों, मर्द हों और ऐनी शायद हों।
फाइन शाहिदू, चारों गवाह गवाही दे दे के आपकी बीवी से ये जुर्म हुआ है, फिर उसको तलाक दे देनी है? नहीं, कुरान क्या कहता है? फिर उसकी आजादी सलब कर लेनी है, घर में उसको पाबंद कर देना है, और उसको एक मौका देना है किस बात का? तौबा का। उसको मौका देना है किसका? तौबा का। समझ आएगी? और आगे फरमाया कि दो मर्द जो हैं वो अगर किसी इस किस्म के जुर्म का इर्तिकाब कर ले, फरमाया उनको अजियत दो, उनकी मार पिटाई करो, उनको तकलीफ दो, लेकिन उनको भी मौका दो किस चीज का? तौबा का। फइन ताबा, अगर वो दोनों तौबा कर लें, जिना करने वाले हों तब या बदफेली करने वाले हों तब, वो तौबा कर लें, वह असलहा और अपनी गुज़श्ता हालत की इस्लाह कर लें, वो चीज़ अपने अंदर से ख़त्म कर लें, फ़ारिज़ू अनहुमा, फिर उनका पीछा छोड़ दो, फिर उनको कुछ कहना। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूंकि अपनी सिफत जिक्र की है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि उनसे जिना हो गया है, बदफेली हो गई है, इन्नल्लाह काना तव्वाबा, मैं बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला हूँ, वो मुझसे माफी मांगेंगे, मैं उनकी तौबा को क्या कर लूंगा? कबूल कर लूंगा। और आगे फरमाया रहीमा, मैं बड़ा मेहरबान हूँ, जब उनकी गलती को मैंने माफ कर दिया है, तुम भी उनको क्या कर दो? माफ कर दो। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना तौबा के लिए एक कानून बयान किया है, तौबा के लिए एक कानून बयान किया है। समझेगी? तर्जमा आप हजरात आयत का मुकम्मल सुन लें और इब्तदान भी कुछ बातें अर्ज कर देता हूँ। तर्जमा ये है, खुलासा ये है आयत मुबारका का। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे जिम्मे जिन लोगों की तौबा को कबूल करना मैंने अपने जिम्मे लाजिम कर रखा है। वैसे तो आप जानते हैं कि अल्लाह के जिम्मे कोई चीज भी लाजिम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम तफज्जुलन होता है, एहसानन होता है, उसका करम मेहरबानी की बुनियाद पर वो कहता है कि चूंकि मैं बड़े करम वाला हूँ, बड़े फजल वाला हूँ, इसलिए तफज्जुलन और करमन मैंने इस चीज को यूं समझो कि अपने जिम्मे लाजिम कर रखा है कि मैं ऐसे लोगों की तौबा को जरूर कबूल करता हूं जिनकी तौबा में दो बातें पाई जाए। जिनकी तौबा में क्या है? दो बातें पाई जाए। फरमाया लिल्लदीन यअमलून सुआ, जो ठीक है बार बार बुरे आमाल करते हैं, लेकिन बिजहालतिन, करते किसकी वजह से हैं? जिहालत की वजह से करते हैं, नादानी की वजह से करते हैं, बेवकूफी की वजह से करते हैं, लेकिन करने के बाद फिर अपनी गलती का पता लग जाए तो डट जाते हैं? नहीं। सुम्म यतूबून मिन करीब, करीब का क्या मतलब होता है? जल्दी। तर्जमा भी इसका मुफस्सरी ने यही किया है, फिर वो तौबा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा को क्या कर लेता है? कबूल कर लेता है। समझ आएगी जनाब? ये आयत मुबारक का खुलासा है। और अगली आयत का यही उन्वान है कि अल्लाह फरमाते हैं कि जिनकी मैं तौबा कबूल नहीं करता वो क्या है? कि वो लैसत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून सय्यिआत, फरमाया कि ऐसे लोगों की तौबा को की कोई कबूलियत नहीं है जो बुरे अमल तो करते रहते हैं मगर तौबा कब करते हैं? हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, वो मौत के इंतजार में रहते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, थोड़े जाए कुछ मैं होर अमल कर लवा, कोई दुनिया की केडी सोहनी मिठास है, केडा सोना हराम दा लज्जत है, और दुनिया की केडी सोहनी रंगीनी है जनाबे वाला, कुछ बदकारियां फहाशियां बेहयाइयां मैं होर कर लवा, चिट्टे वाल आ गए जिले बह गयम गोडे चू टुरन चू फिरन चू मुड़ाखिर ते मैं की कर ली सा? तौबा कर ली सा। अल्लाह फरमाते हैं जो इस इंतजार में रहते हैं ना उनको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। समझ आएगी? हत्ता इदा हज़र अहदहुमुल मौत, हत्ता के जब हाजिर होती है उनमें से किसी एक को मौत, काला फिर कहते हैं इन्नी तुबतुल आना, अब मैं तौबा, अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों की फिर मैं तौबा कबूल नहीं करता। समझ आएगी जनाबे वाला? तो कबूलियत तौबा के लिए अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ उनकी तौबा कबूल नहीं है बल्कि उनकी तौबा को कबूल करना मैंने अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। किन की तौबा? जिनसे आमाल होते हैं बुरे, बार बार होते हैं, या मलूना, ये अरबी ग्रामर के हवाले से, लेकिन बिजहालतिन, किसके साथ? नादानी के साथ, बेवकूफी के साथ, जिहालत की वजाहत आएगी, आप परेशान ना हो, सिर्फ आप खुलासा याद कर लें आयत मुबारका का। दूसरा ये है कि उसके बाद तौबा में फिर वो देर करते, करीब जल्दी जल्दी, जू ही उनके पास इल्म आ जाता है, जू ही उनको समझ आती है, फौरन वो क्या करते हैं? तौबा कर लेते।
अब तौबा की हकीकत के बारे में एक दो बातें सुने जरा। ये जो अरबी तौबा जो है ना, ये अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका एक लुगवी माना है, एक इसका इस्तेलाही माना है। इसका लुगवी माना होता है रजू करना। इसका लुगवी माना क्या होता है? रजू करना। एक आदमी किसी जानिब जा रहा है, किसी काम पे लगा हुआ है, उसको छोड़कर किसी और काम की तरफ वापस आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? तौबा कहते हैं। समझ आएगी? इस्तेलाह शरीयत के अंदर तौबा का हकीकी माना यह है कि एक आदमी जो गुनाह, नाफरमानी और मासीयत की तरफ जा रहा है, उससे पलट कर नेकी और तकवे की तरफ वापस आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? तौबा में वापसी जरूरी है, तौबा में रजू जरूरी है, तौबा में पलटना जरूरी है। समझ आएगी? ये नहीं है कि आदमी ये कहे कि ठीक है मैं तौबा तो करता हूं, लेकिन जिस गुनाह से वो गुनाह में लगा हुआ है उसको छोड़ना भी जरूरी है, और छोड़ने के बाद नेकी और तकवे की तरफ आना भी क्या है? ये दो चीजें जिसकी तौबा में पाई जाएंगी उसकी ही असल में हकीकी तौबा है जनाबे वाला, उसकी ही असल तौबा है। यह है तौबा का असली और हकीकी माना जनाबे वाला, कि तौबा के माने के अंदर रुजू करना, पलटना, वापस आना यह जरूरी पाया जाता है। कि एक आदमी नाफरमानी और गुनाह की जिस रास्ते और शहरा पे चल रहा है उसको छोड़ देना और नेकी और तकवे के रास्ते पे चल निकलना, इसको क्या कहते हैं? तौबा। इसी को कुरान ने ऊपर कहा है ना कि अगर वो दोनों जिना करने वाले ताबा क्या कर ले? तौबा कर ले। आगे क्या फरमाया? असलाहा, और अपनी क्या कर ले? क्या मतलब है कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसको छोड़ दिया है और उसका जो दूसरा रास्ता है असलाहा उसको इख्तियार कर लिया। बस फरमाया फआरिजू अनहुमा, फिर उनकी जनाबे वाला बाज पुरस करना, उनको जबान से लानत मलामत करना, हर किस्म की बात उनको फिर क्या कर देनी है? छोड़ देनी। ये इसका हकीकी माना है। अब जरा देखिए तौबा के हवाले से एक और बात और फिर एक हदीस से पाक। अब ये है कि तौबा के हवाले से ये एक बड़ी अजीब बात है जो मुफस्सरीन ने जिक्र की है, इसको आप समझने की बड़ी पुरजोर कोशिश फरमाएं। वो ये है कि मुफस्सरीन फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की तौबा जो है, जो नादानी बेवकूफी की वजह से गुनाह करें और फिर जल्दी तौबा कर लें, तो अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करना अल्लाह ने क्या है? अपने जिम्मे ले रखा है। अब वो तौबा किस हवाले से है? फरमाया अगर कोई आदमी ऐसा है जो एक गुनाह करता है, जो बहुत सारे गुनाहों के अंदर क्या है भाई? मुब्तला है। मिसाल के तौर पे सूद भी खाता है, रिश्वतें भी खाता है, लोगों का माल भी छीन के खा जाता है, और इसी तरह नमाज भी नहीं पढ़ता, जकात भी नहीं देता, रोजे भी नहीं रखता, यानी हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद बहुत सारे जराइम के अंदर वो क्या है भाई? मुब्तला है। अब मिसाल के तौर पर उनमें से वो किसी एक जुर्म से तौबा कर लेता है तो क्या बाकी गुनाहों के ऊपर जो रहता है तो आया उस एक गुनाह से तौबा, उसकी तौबा कबूल होगी या नहीं होगी? एक बड़ा आम मसला है, इसको अब तवज्जो से आपने समझना है। क्या है कि एक आदमी बहुत सारे जराइम में मुब्तला है, मैंने आपको जैसे मिसाल दी है, सूद भी खाता है, रिश्वतें भी लेता है, और जिना भी करता है, बदफेलियां भी करता है, रोजे भी नहीं रखता, और जकात सदकात खैरात भी नहीं देता, वालदैन का भी नाफरमान है, मुआशरे में भी बदमाशी और बेहयाइयों का इरतकाब करता है, और भी बहुत सारे हैं। तो अगर वो इनमें से किसी एक जुर्म से माफी मांग लेता है, तौबा कर लेता है, लेकिन बाकी गुनाहों से तौबा नहीं करता तो आया उसकी ये तौबा कबूल है या नहीं है? तो मुफस्सरीन इसके बारे में फरमा रहे हैं, इसके लिए पहले एक मिसाल उन्होंने दी है, उसको जरा समझे फिर अगली बात समझ में आएगी। वो मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो, अब आप पीछे सूद के बारे में सुन चुके हैं कि सूद की दो किस्में हैं, एक सूद होता है उसको उधार वाला सूद कहते हैं, एक सूद होता है नकद वाला। एक आदमी कहता है मैं जी जो नकदो नकदी सूद है ना उससे तौबा करता हूं, उससे क्या करता हूं, लेकिन जो उधार वाला सूद है उससे वो तौबा नहीं करता तो ये तौबा कबूल नहीं है। अभी आपको मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो फरमाएं। मिसाल के तौर पे नशा है, इसकी बहुत सारी किस्में, अफीम है, शराब है। अब शराब मुख्तलिफ चीजों से बनती है,
अंगूरों से भी शराब तैयार होती है, इसी तरह गंदम के दानों से भी तैयार होती है, इसी तरह और फलों से भी तैयार होती है। एक आदमी कहता है कि मैं जी अफीम खाने से तौबा करता हूं, मगर शराब तो कभी कभी मैं क्या है भाई पीता रहूंगा, तो ये उसकी तौबा कबूल नहीं होती। और अभी नहीं समझ आई और मिसाल देता हूं आपके लिए। मुफस्सरीन फरमाते हैं क्योंकि पीछे तज़करा ज़िना का है, एक आदमी कहता है ठीक है यार इस औरत के साथ मैं बदनाम हो गया, आज के बाद मैं इस औरत के साथ ज़िना नहीं करूंगा, किसी और घर से पकड़ा जाता है तो ये उसकी तौबा कबूल नहीं है। नहीं समझ आई, तवज्जो फरमाएं जरा इस मसले को समझने के लिए गौर फरमाएं कि अगर एक आदमी एक एक चीज ऐसी है जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको बताया नकद वाला सूद भी है और उधार वाला भी सूद है, शराब की मुख्तलिफ किस्में हैं, इस तरह रिश्वत की मुख्तलिफ किस्में हैं, इसी तरह जिना की क्या है मुख्तलिफ मवाके हैं जनाबे वाला, अगर एक ही जिन्स के बहुत सारे गुनाह हैं, एक ही जिन्स के क्या हैं बहुत सारे गुनाह हैं, उनमें से एक की तौबा करता है दूसरे की तौबा नहीं करता तो यह तौबा कबूल नहीं है। क्यों? कि वो एक की तौबा करके अपने लिए दूसरे का रास्ता हमवार कर रहा है। और अगर एक जिन्स के मुकम्मल गुनाह की तौबा करता है मगर दूसरा गुनाह अभी उसके अंदर है फिर उसकी तौबा कबूल है। समझ आइए? नहीं समझ। मिसाल के तौर पर वो रिश्वत भी लेता है सूद भी खाता है, सूद से मुकम्मल तौबा कर लेता है, कहता है ना उधार वाला सूद ना नकद वाला सूद, हर किस्म के सूद से मैं तौबा करता हूं, नमाज नहीं पढ़ता, यह भी तो एक गुनाह है, मगर वो सूद से तौबा उसकी तौबा क्या हो जाएगी कबूल हो जाएगी। एक फर्क मैंने आपके सामने अर्ज किया है कि गुनाहों की मुख्तलिफ कैटेगरियां हैं, एक जिन्स के भी मुख्तलिफ किस्म के गुनाह होते हैं, उनमें मुख्तलिफ कैटेगरी होते हैं, ये भी इसी किस्म का, ये भी इसी किस्म का, ये भी इसी किस्म का, नशे की जिस तरह मुख्तलिफ शक्लें हैं जनाब, आजकल तो एक और खास किस्म का भी नशा जो स्कूलों कॉलेज के अंदर पाया जाता है, कोई शीशे का खास किस्म का नशा है जो बच्चे भी करते हैं बच्चियां भी करते हैं, और वो उनके रिफ्रेशमेंट के लिए होता है, पहले रिफ्रेशमेंट के लिए होता है, बाद में जिगर मैदा फेफड़े जब खराब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उसके ऊपर पाबंदियों के भी ऐलान क्या होते हैं भाई शुरू होते हैं, तो बाकायदा मुस्तकिल एक तरतीब के साथ बहुत सारे, मैं जो है ना ऐसे बच्चों को जानता हूं जो हमारे बच्चे शहरों में पढ़ते हैं कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनकी जनाबे वाला फेसबुक आईडीज के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वो मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है कि वो उस किस्म का नशा पी रहे हैं, अपने बच्चों पर नजर रखें। समझ आ रही है? ऐसे दोस्त मौजूद हैं, मैं उनके लिए ये वार्निंग के तौर पर उनको कह रहा हूं, कल को फिर वो बहुत पछताएंगे और बहुत परेशान होंगे। उनके बच्चे बहुत सारे बच्चे जो हमारे इलाके के यहां से बाहर जाते हैं और पढ़ते हैं, उनकी फेसबुक आईडीज से मैंने खुद देखा है कि वो उस किस्म का नशा उनको मैंने करते हुए उनकी वाज़ह तस्वीरें आई हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अब एक आदमी अफीम का नशा भी पीता है, वो शीशे का नशा भी पीता है, पान गुटके का नशा भी इस्तेमाल करता है, और चर्स भी पीता है, हीरोइन भी, मुख्तलिफ किस्म की नशे की किस्में हैं ना, उनमें से किसी एक जिन्स से तौबा करता है, सबसे नहीं करता तो ये तौबा कबूल नहीं है। बस ये बात ज़हन में रखना है, सूद की एक किस्म से तौबा करता है दूसरे से नहीं करता वो तौबा कबूल नहीं है। हां एक गुनाह जो उस जिन्स का है वो सारे छोड़ देता है, बाकी गुनाह में लगा रहता है, कोई और गुनाह, मिसाल के तौर पे शराब मुकम्मल छोड़ दी, सूद मुकम्मल छोड़ दिया, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, कोई और जुर्म है उसके अंदर लगा हुआ है, तो जिस जिन्स के मुकम्मल गुनाह छोड़ दिए हैं उनकी तौबा क्या हो जाएगी कबूल हो जाएगी। समझ आएगी जनाबे वाला? ये बात है। बस वक्त खत्म हो गया, और बातें इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। तर्जमा सुने, इन्नमत तौबतु अलल्लाह, दो बातें अर्ज कर दी हैं आपके लिए गुनाहों से तौबा के हवाले से। इन्नमत तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीना यअमलूनस सूअ बिजहालतिन, सिवाय इसके नहीं, पक्की बात है कि अल्लाह ने ऐसे लोगों की तौबा को कबूल करना अपने जिम्मे लाजिम कर रखा है जो करते हैं बुरे आमाल बिजहालतिन, बेवकूफी की वजह से। सुम्म यतूबून मिन करीबिन, फिर बड़ी जल्दी क्या कर लेते हैं तौबा कर लेते हैं, ऐसे ही लोग हैं कि अल्लाह उनकी तौबा को कबूल फरमाता है। वकान अल्लाहु अलीमन, और अल्लाह जानने वाला है। क्या मतलब है? अल्लाह को पता है कि कौन दिल से तौबा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। हकीमन, वो बड़ी हिकमत वाला है, वो बड़ी जल्दी लोगों को रुसवा करता नहीं है। اللهم صل على سيدنا محمد تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وزرد بأسلامك. اجمعين.